All right, तो मुझसे इट्स एक्चुअली द वीडियो गॉट डिसकनेक्टेड विथ मी बाय मिस्टेक, सो मे बी आई विल मेक दिस वीडियो, ये वाला डिफरेंट वीडियो बना लेंगे हम. सो गाइडेंस, ओके, सो वी विल डू टू गाइडेंस फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है, क्योंकि अभिषा की रीडिंग कर रहे हैं. सो कैन वी डियर एंजल्स प्लीज हैव वन गाइडेंस फॉर अभिषेक इन दिस सिचुएशन विथ मनीषा. इनर पीस ही नहीं है, मेक सेंस राइट? अभी उसको क्या चाहिए? क्या उसको अभी सब्सक्राइबर्स चाहिए? क्या उसको अभी पैसा चाहिए? क्या उसको अभी हाई टीआरपी रेटिंग चाहिए? क्या उसको पब्लिसिटी चाहिए? क्या उसको अटेंशन चाहिए? ये कुछ नहीं चाहिए अभी अभिषेक को. अभिषेक को भी चाहिए इनर पीस. यहाँ पे जितना आग लगा हुआ है ना, वो इससे बाहर निकल के फ्री होना चाहता है. कल्टिवेट इनर पीस ऑन अ डेली बेसिस इन क्वाइट मेडिटेटिव मोमेंट्स, फोकस ऑन द स्टिलनेस विद इन. अभी वो क्या है, आउटवर्ड फोकस है उसकी एनर्जी. आपने देखा ना कि कैसे ही इज अटैकिंग एंड ऑल दैट, आउटवर्ड फोकस है उसकी एनर्जी. एंड एन्जॉय द इनर रिफ्यूज. रिफ्यूज का मतलब क्या है, किसी मुसीबत से भाग के कहीं पे जाना ताकि आप बच पाओ. और वहां पे हम देख रहे हैं कि उसके एनवायरमेंट में कौन सी एनर्जी है, अटैक अटैक अटैक, क्वेश्चन पूछना एंड ऑल दैट थिंग. अदर्स विल फील योर गुड वाइब्स टू एंड योर लाइफ विल फ्लो मोर इजली सून, है ना? तो अभी लाइफ फ्लो नहीं कर रही है. हमने देखा था ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून स्टक हो गया है एक डिफिकल्ट फेज में आके, जहां पे बस आग लगी हुई है हर जगह पे, जहां पे वो किंग ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड लेके फायर फाइटिंग भी कर रहा है, अपने वॉन्ड को लेके अपने आप को डिफेंड करने की भी कोशिश कर रहा है. तो बाहर की एनर्जीज उसका पूरा अटेंशन ले रही है. तो इन सारी एनर्जीज जो कि एक काफी एग्रेसिव एनर्जी है, इससे आप कैसे बचोगे? एग्रेसिव फायर है. अंदर में अपने जाओ, वहां पे तुम्हें शांति मिलेगी. सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी. एनीवेज, अभी हम मनीषा के लिए गाइडेंस देख लेते हैं, इन दोनों के रिलेशनशिप के लिए देखते हैं क्या आता है. सरेंडर योर हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग आ गया है उसके लिए, ठीक है. अब मुझे नहीं पता यहाँ, एक्चुअली इफ यू सी दिस एक्चुअली मेक सेंस. क्यों? क्योंकि उसे क्लियरली बोल देना चाहिए था, जो भी है, अगर उसको मूवी में काम उसके करना है, मूवी है या जो भी है उसमें काम करना है, नहीं करना है. आई ऑलवेज से वन थिंग, पीपल इज प्लीजिंग इज द मोस्ट सेल्फिश थिंग यू डू, बिकॉज पीपल प्लीजिंग आप तभी करते हो जब आप बिकॉज यू डू इट फॉर, यू डू इट टू गेट फेवर्स. तो पीपल प्लीजिंग उसको नहीं करना चाहिए अभिषेक के संदर्भ में. एनी वेज, दिस इज वॉट इट इज. बहुत लोगों में ऐसा भी होता है ना कि सेल्फ वर्थ की कमी रहती है और वो अपनी बात को ठीक से रख नहीं पाते, क्योंकि मनीषा के रीडिंग में हमने हमेशा देखा है कि वो दूसरों को दुख नहीं देना चाहती है. तो वो वाली बात भी होती है पीपल प्लीजिंग में, वहां पे वो भी चीज आती है. देखो, तो ये सेल्फिशनेस से कैसे कनेक्ट होता है? बिकॉज यू डोंट थिंक दैट इफ यू बिकॉज यू थिंक कि अगर आप ऑनेस्ट बात बोलोगे तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. तो आप क्या करते हो, आप ऑनेस्ट बात नहीं बोल के उसकी खुशी के लिए आप झूठ बात बोलते हो. क्यों? क्योंकि वो आपको एक्सेप्ट करे, आप उसके गुड बुक्स में रहो. सो दिस इज हाउ द सेल्फिशनेस एंड लो सेल्फ वर्थ एंड एवरीथिंग गेट्स कनेक्टेड इन दिस मीनिंग, राइट? बिकॉज वाई आर यू नॉट टेलिंग दैट पर्सन अ ऑनेस्ट थिंग? क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं ऑनेस्ट बोलूंगा तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, बात नहीं होगी, टूट जाएगा रिश्ता, फिर हम अकेले हो जाएंगे. तो हम अपने लिए उतना स्टैंड नहीं ले पाते. हम लाइक ओके चलो ठीक है समहाउ, ओके. ज्यादातर लोगों की जिंदगी ऐसे ही चल रही है वैसे. चलो, तो इनर पीस में चलना. अभिषेक के लिए गाइडेंस अभी इस वेरी डेलिकेट मौके पे क्या है, मदर हीलिंग की जरूरत है उसे. एज योर फीलिंग्स टुवर्ड्स योर मदर हील योर डिजायर्स मैनिफेस्ट मोर रैपिडली. यहाँ पे वेव्स ऑफ प्रोस्पेरिटी का भी कार्ड है, उल्टा है थोड़ा, बट नेवरदलेस ठीक है. तो यहाँ पे कुछ मदर हीलिंग की चीज आई है. आई डोंट नो व्हाई इट इज कमिंग, बट इट इज कमिंग. मनीषा के लिए क्या गाइडेंस आता है, चलो देख लेते हैं. ओके, बिग टाइम. योर इंट्यूशन इज करेक्ट, टेक एक्शन अकॉर्डिंगली. अब पता नहीं मनीषा क्या, मूव ऑन, टाइम टू टेक मूव ऑन. तो शायद मनीषा कुछ मूव ऑन करने की सोच रही है. पीपल प्लीजिंग उसने पहले भी किया है और अभी वो शायद मूव ऑन करे कि ना करे इसके बारे में सोच रही होगी. तो इसका इंट्यूशन सही है, उसको यही बोला जा रहा है. अब वो क्या सोच रही है, उसका क्या इंट्यूशन है, वो तो वही जाने. बट दिस इज वॉट द गाइडेंस इज टेलिंग गाइज. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड इफ यू लाइक द गाइडेंस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब.
एंड आई विल सी यू अगेन, बाय।